हेलो गाइस स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वो पांच कमेंट जो कि मुझे मेरी लास्ट वीडियो जो कि है जॉब सीकर वीजा उसके बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं और ये पांच क्वेश्चंस को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया बिकॉज आई पर्सनली फील दैट कि ये पांच पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो ओके तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वन ऑफ माई सब्सक्राइबर हैज फॉलोड माई लास्ट जॉब सीकर वीजा वीडियो एंड ही गॉट द अपॉइंटमेंट फ्रॉम द एफ फ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड जस्ट लिंक इज आप जस्ट फॉलो दिस तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओके सो हेयर इज द क्वेश्चन नंबर वन तो क्वेश्चन नंबर वन है वीयर टू गेट दीजा अपॉइंटमेंट आपको वीएफएस से अपॉइंटमेंट लेनी है या आपको जर्मन कांसुलेट से लेनी है तो आइडियली इस क्वेश्चन का जो स्टेट फॉरवर्ड आंसर है वो ये है कि आप जब भी वीएफएस के लिए अपॉइंटमेंट लेने जाते हो तो आपको बेसिकली दो ऑप्शन दिखते हैं फर्स्ट ऑप्शन होता है टू गेट द अपॉइंटमेंट फ्रॉम द वीजा एप्लीकेशन सेंटर और सेकेंड होता है टू गेट द अपॉइंटमेंट फ्रॉम द जर्मन कॉन्सुलेट तो आपको हमेशा सेकेंड ऑप्शन चूज करना है टू गेट द्रॉम द जर्मन कॉन्सुलेट और उसी के ड्रॉपडाउन में ही आपको जॉब सिकर वीजा जो है मोर देन नाइन्टी डेज का ऑप्शन दिखेगा अगर आप वीजा एप्लीकेशन सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा तो आपको अपॉइंटमेंट जर्मन कॉन्सुलेट की लेनी है बट वी एफ एस के थ्रू ही लेनी है देर इज नो अदर ऑप्शन दैट यू कैन टेक डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ जर्मन कॉन्सुलेट चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के बारे में तो क्वेश्चन नंबर टू है जब आप वीजा अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं और आप अगर वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर आता है तो ये वेटिंग लिस्ट आपकी कब कंफर्म होती है नॉर्मली ये नंबर बेसिकली टू वीक्स के बीच में रहता है कि अगर आपने कोई अपॉइंटमेंट बुक की और अनफॉर्चुनेटली वो अगर वेटिंग लिस्ट में है तो टू टू फोर वीक्स में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो कंफर्म हो गई है विथ जर्मन कॉन्सुलेट तो आई वुड हाईली सजेस्ट वेट फॉर फोर वीक्स एंड देन राइट एन ई मेल टू देम लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थ्री तो क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हेन यू नीड टू बुक योर फ्लाइट सो इस पूरी प्रोसेस में जॉब सिकर वीजा के प्रोसेस में देर इज नो प्री रिक्विज़िट जिसमें आपको अपनी फ्लाइट बुकिंग करनी है और वो डॉक्यूमेंट आपको अपनी वीजा एप्लीकेशन के साथ दिखाना ऐसी कोई भी प्री रिक्विज़िट नहीं है तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि जब भी आपको वीजा मिल जाए देन यू बुक योर फ्लाइट टिकट और इसी के साथ एक और पॉइंट ऐड होता है कि आपको अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस भी कब लेनी है तो ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए भी कोई प्री रिक्विजेड नहीं है आपको अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस भी तभी बाय करनी है जब आपको वीजा लग जाए और जब आपने ट्रैवल करना है इसी के साथ कुछ लोगों ने मुझसे यह भी पूछा कि अब मुझे हेल्थ इंश्योरेंस कब बाय करनी चाहिए तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आप तभी बाय करते हो वंस यू लैंड इन जर्मनी तो वो एक अलग से टॉपिक है कि जब आप जर्मनी में आ जाते हो तो आपको सिक्स मंथ के लिए जब भी आप जॉब सिक्कर वीजा के पीरियड में होते हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कैसे बाय करनी चाहिए हाउ सिर्फ आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए जो कि आप इंडिया से जर्मनी या किसी भी और कंट्री से जर्मनी में ट्रैवल कर पाओ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस बटन को क्लिक करके और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले इट गिव्स मी सो मच ऑफ मोटिवेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में तो क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो किसी ने मुझे ये पूछा था कि इज दिस वीजा फॉर पाकिस्तान और नॉट तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जॉब सीकर वीजा कोई भी कंट्री स्पेसिफिक वीजा नहीं होता हाँ ये जरूर हो सकता है कि जब आप वीजा अप्लाई करें एज अ एप्लीकेशन तो वो हो सकता है कि जर्मन कॉन्सुलेट आपकी कंट्री को कंसिडर करते हो फॉर सम रीजन आई एम एक्चुअली नॉट श्योर कि वो अगर ऐसा कुछ सोचते हो पर नॉर्मली इन ऑर्डर टू अप्लाई एप्लीकेशन देर इज नो स्पेसिफिक रीजन या ये सेट ऑफ कंट्रीज अप्लाई कर सकती हैं और ये सेट ऑफ कंट्रीज अप्लाई नहीं कर सकती ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है आई कूडेंट फाइन एनी डॉक्यूमेंट जिसमें ये लिखा हो कि ये जो है वीजा ये कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए नहीं है सो डोंट वरी अबाउट दैट इवन इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर दिस वीजा ओके लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर फाइव सो क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो किसी ने मुझसे कमेंट में ये पूछा था कि मैं इस वीजा को अप्लाई कर सकता हूं इफ आई डो नॉट हैव एनी डिग्री तो मैं उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये देना चाहता हूं कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो मेरे को नहीं लगता कि आप इस वीजा को अप्लाई कर सकते हो बिकॉज उसकी प्री रिक्वेस्ट में यह है कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए वो आपकी डिग्री वेरीफाइड होनी चाहिए तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि नहीं आप इस वीजा को नहीं अप्लाई कर सकते ओके सो लास्ट पॉइंट एक्चुअली मेरे माइंड में ये आ रहा था कि कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये पूछा था कि हाउ टू ओपन अ ब्लॉक अकाउंट तो ब्लॉक अकाउंट इज रिक्वायर्ड वंस यू गेट द वीजा तो आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होगा वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था और उसके अलावा मैं आपको एक और वीडियो रेफर करना चाहता हूं फ्लाइंग अब्रॉड की इन्होंने एक्चुअल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू ओपन अ ब्लॉक अकाउंट इन जर्मनी तो इस वीडियो में इतना ही और अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो इज वैल्यूएबल To do hit the like button, subscribe my channel, and I will see you in the next informative video. Till then, bye bye.